हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर और आपका स्वागत है हमारे पुलिस फोर्स एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार मद्य निषेध का जो है रिजल्ट कब प्रकाशित होगा, इसका रिजल्ट कब निकलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 16 अक्टूबर रविवार का दिन था और फर्स्ट सिटिंग यानी एक ही पाली में सभी लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था 16 अक्टूबर को। तो इसमें थोड़ा बहुत धांधली भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से कैंडिडेट पकड़े भी गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि इसका रिज़ल्ट कब प्रकाशित होगा। डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम डेट है, इससे पहले जो मद्य निषेध का हुआ था 365 सीट पर, उसका जो टाइम लिया था अप्रोक्स 1 month 7 days यानी 1 महीना 1 हफ्ता है ना, 1 महीने 6 दिन लिया था अप्रोक्स, जहाँ तक मुझे पता है कि 1 महीना 6 दिन लिया था टाइम और रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया गया था। और फिजिकल के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था। और 76 पोस्ट पे जो 16 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा है ना। आपको 20 से 25 दिन हाईएस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 month खींच के ले जाएगा। वैसे 1 month नहीं लगने वाला है, 25 दिन मान के चलिए, ठीक है ना। 25 दिन के अंदर आपका जो है रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा और इसका कट ऑफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि इसका कितना कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स, इस नोटिस को भी देखते चलें, ये ऑफिशियल नोटिस है बिहार मद्य निषेध का, ठीक है ना। जल्दी आपको 905 पदों पर बिहार मद्य निषेध पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें सिपाही के, सिर्फ सिपाही की भी बात कर रहा हूँ, सिपाही के 689 पोस्ट रहने वाले हैं। तो ये ऑफिशियल है, तो ये जो 76 पोस्ट है इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लिया जाएगा, तुरंत ही इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम का डेट, और फिर इसका जल्दी फिजिकल भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल है। क्वेश्चन किस तरह के आए थे आप सभी को पता है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा नॉर्मल था, मीडियम था है ना। रिज़ल्ट आएगा, ये आ जाएगा आपका 25 से 30 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा और आपको इसमें भी फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। जैसे ही आपका बिहार फायरमैन का फिजिकल हो जाता है, उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपका भी जो है फिजिकल ले लिया जाएगा, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और इसका जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताऊँगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो 75,000 में बता रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको मैं क्लियर बता दूं, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये आपको न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कि 70 से 75 कैंडिडेट्स ने इसका एग्ज़ाम दिया है और जल्दी इसका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और आपको नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ के बारे में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा है ना। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो फिर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।